ये शब्दों के साथ खिलवाड़ करना, शब्दों का जितना दोहन ये कर सकते हैं इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, जब मैं बीजेपी में था तो जो ये बोलते थे तो मैं उसको डिक्शनरी में ढूंढता था कि यार इस शब्द का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी भाषा, ठीक है ना। तो ये ढोंगी हैं। और सबसे बड़ी जो आज राष्ट्रवादी मेरी जाति बन रही है ना, जो गुजर राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी जो बने नए नए, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि तुम्हारे 72 बेटे सड़कों पे मार दिए राजस्थान में और वो आरक्षण आज तक भी नहीं मिल पाया। आज भी 9वीं अनुसूची में नहीं डाला भारतीय जनता पार्टी वालों ने केंद्र सरकार में। तो ये भूल जाते हैं, हमारे पूर्वज हुए जिन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया अखंड भारत में, सम्राट मीर भोज, उनके मुंह पे कालिक पोती गई, आप और वहां आप वहां पर गवाह थे। मैंने 14 वर्षों में उस पार्टी को छोड़ दिया और जिन्होंने के इशारे पर वो मूर्ति पे कालिक पुतवाई गई मुख्यमंत्री जी, उनके खिलाफ मैंने बोला। तो ये उसको फिर मैंने कहा कि मैं यहां रह नहीं सकता अब, और मैंने अपने घर वापसी की। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए जहां पर समाजवादी गठबंधन ने 2 सीटें जीती। एक तो लोकसभा जो मैनपुरी से समाजवादी परिवार की बहू डिंपल यादव सांसद बनी, तो वहीं खतौली उपचुनाव विधानसभा में मदन भैया ने जीत हासिल करी। मेरे साथ मुखिया गुजर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इस जीत को कैसे देखते हैं और क्या ये जो उपचुनाव था ये एक सेमीफाइनल की तरह इसको विपक्ष देख रहा है 2024 के। सर, आपने सांसद की सीट जीत ली, उसके बाद खतौली विधानसभा में उपचुनाव हुआ, वो भी आपके पाले में आई, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखो, मैनपुरी में तो नेताजी के 25-35 सच्ची श्रद्धांजलि सर्व समाज ने मिलकर वहाँ पर दी, और एक ऐतिहासिक जीत 2,90,000 से लीड लेकर जीते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं मैनपुरी की सर्व जातीय समाज को दिल की गहराइयों से और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने छोटे नेताजी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और खतौली में जो चुनाव हुआ है, यहाँ सीधा सीधा ये बदलाव का संकेत खतौली और मैनपुरी और यहाँ जो रामपुर का जो वहाँ जो जुल्म और सितम ढाए गए वहाँ के लोगों पर, ये सीधा सीधा ये संकेत है कि अब बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, और इन लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता के घमंड में आकर और दमन और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करके लोगों में भय का माहौल व्याप्त करके तब ये चुनाव की वैतरणी पार करने का सपना संजोए रखते हैं, जिसमें इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। आप मैनपुरी में थे, हालांकि मैनपुरी एक ऐसी सीट थी जहां पर आपने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि वहां पर नेताजी को वहां के सर्व समाज ने जनता ने दी, कि हालांकि वो सीट एक ऐसी थी जो रिजर्व सीट समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन मदन भैया जो लोनी के रहने वाले हैं खतौली चुनाव लड़ने गए, मैंने मदन भैया से भी ये सवाल किया था, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, जैसे ही मदन भैया खतौली की धरती पर चुनाव लड़ने उतरे, गठबंधन ने उनको उतारा, वहाँ पर नंदकिशोर गुर्जर जी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपकी भी प्रतिक्रिया आने लगी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिन महाशय का आपने अभी नाम लिया है, ये वैसे तो मेरा छोटा भाई है, हमारे परिवार का ही है, लेकिन मैं इसकी नीतियाँ, जब से ये नीतियों से विपरीत चला गया, सिद्धांत इसने टोटल बदल लिए, जब से मैं इसके खिलाफ हूँ। ये इनको पार्टी ने वहाँ भेजा हिमाचल, वहाँ भी हरा के आ गए, इन्हें दिल्ली की कई सीटों पर उन्होंने दावा किया, दिल्ली की नगर निगम में कभी नहीं हारी थी भाजपा, लेकिन ये महामानव जो ठाकरे साहब ये यहाँ पर आए, यहाँ भी बुरी तरीके से हरा गए। फिर इनका प्रवेश होता है खतौली में, तो खतौली में जिस तरीके की नकारात्मकता इनकी बातें होती हैं उसकी वजह से खतौली भी भाजपा हारी और हम लोग जीते। तो इनकी बात तो क्या करें, ये अपने परिवार का, मैं ज़्यादा वो बात, अब चूंकि वो संदर्भ में मैंने एक वीडियो डाली थी, अब वो संदर्भ ख़त्म हो गया, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं इनकी उपलब्धता बता दी मैंने, और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जिस प्रतिनिधि को निर्वाचित घोषित किया गया लोगों की जनता के द्वारा,
और उस जनता का आभार व्यक्त करना एक नैतिक कर्तव्य बनता है एक विजयी उम्मीदवार विजयी प्रत्याशी का या विजयी विधायक का। तो वो अगर आभार व्यक्त करने के लिए जाने तो वहाँ से कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, वहाँ ट्रैफिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितनी कमाल है। फिर इनकी व्यवस्था क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के समर्थक ज्यादा उतर जाते हैं सड़कों पे। तो हो तो फिर ये लोकप्रियता है ना, फिर भाई लोकप्रियता है इसलिए तो ये बौखला रहे हैं। भाई अगर समर्थक सड़कों पे उतर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे गठबंधन या हमारे मदन भैया के या हमारे माननीय अखिलेश जी और जयंत चौधरी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसी से ही हमारे कार्यकर्ताओं में अब और ज्यादा आक्रोश है, और हमारे कार्यकर्ताओं में जितना आक्रोश बढ़ता वही हमारी पूंजी होती है। क्या लगता है इन दो सीटों को जीतने के बाद एक गठबंधन के कार्यकर्ताओं में, गठबंधन के नेताओं में क्या एक जोश नया पैदा हुआ है? 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है? 2024 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जोश इसलिए भी है कि बहुत दिन से हमारा जो ये समाज है ना, भोला भाला समाज है ये, जो खासकर हम जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम और हमारा जो पिछड़ा समाज है ना, किसान हैं, ये एक बेसिकली भोला समाज है, ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं, तो ये बड़ी जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। तो इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा, मैं 14 साल रह के आया हूँ वहाँ, मैंने उनको अंदर तक जाना है, इन पर कोई कुछ नहीं है, सिर्फ धार्मिक और मजहबी और सामाजिक वैमनस्यता फैला करके समाज को विघटन के कगार पर ले जाकर और इस तरीके की दीवार खड़ी कर देते हैं कि लोग उद्वेलित हो जाते हैं और वह हिंदू मुस्लिम। हमारा नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये शब्दों के साथ खिलवाड़ करना, शब्दों का जितना दोहन ये कर सकते हैं इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, जब मैं बीजेपी में था तो जो ये बोलते थे तो मैं उसको डिक्शनरी में ढूंढता था कि यार इस शब्द का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी भाषा, ठीक है ना। तो ये ढोंगी हैं महा, मैं कह रहा हूँ कि इनके जितना झूठा कोई नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लोग समझ रहे हैं, 750 लोग हमारे मारे गए हैं किसानों के, आपको पता। और सबसे बड़ी जो आज राष्ट्रवादी मेरी जाति बन रही है ना, जो गुजर राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी जो बने नए नए, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि तुम्हारे 72 बेटे सड़कों पर मार दिए राजस्थान में और वो आरक्षण आज तक भी नहीं मिल पाया, आज भी 9वीं अनुसूची में नहीं डाला भारतीय जनता पार्टी वालों ने केंद्र सरकार में। तो ये भूल जाते हैं, हमारे पूर्वज हुए जिन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया अखंड भारत में, सम्राट मीर भोज, उनके मुंह पे कालिक पोती गई, आप वहां पर गवाह थे। मैंने 14 वर्षों में उस पार्टी को छोड़ दिया और जिन्होंने इशारे पर वो मूर्ति में कालिक पुतवाई गई मुख्यमंत्री जी, उनके खिलाफ मैंने बोला। तो ये उसको फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ रह नहीं सकता अब, और मैंने अपने घर वापसी की। उसके बावजूद भी अपने बेटों का गला काट करके और भाजपा के लोग जिताए हमारी बिरादरी ने, तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैंने बीए में पढ़ा था कि हमारा जो लोकतंत्र है ना, ये मूर्खों का भी तंत्र है। तो हमारा ये समाज जो भोले भाले ये मूर्खों वाली हरकतें कर जाते हैं, इसलिए हम बिना मांगे जो समाज लोकतंत्र में वोट देगा उसका हश्र यही होगा, 72 मारे जाएंगे जब आप आरक्षण मांगोगे, और जब जरा सी आप हुंकार भरोगे तो आपके पूर्वजों के मुंह पे कालिक पोती जाएगी और समाज वहीं वोट दे रहा। समाज की आंख खुल गई जी के संगठन में और उसमें एकता में कितना बल है। मैं और मदन भैया आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन मैंने क्षेत्र वहां मैनपुरी होते हुए उसके बावजूद भी मैंने मदन भैया के लिए अपील की। तो ये बिरादरी में इतना जरूर है कि अगर चुनौती कोई दे दे या सामने कहीं मान प्रतिष्ठा की बात आ जाए तो वहां मेरा समाज खड़ा हो जाता फिर। तो इसलिए इनको बहकाया जा रहा बोला। अब इनके बड़े स्टार प्रचारक आए तो थे, एक दर्जन स्टार प्रचारक बुलाए इन्होंने वहां पर, उन पर सब पे पथरा हुआ, गांव में घुसने नहीं दिया गया, भगा दिए। अब क्या हुआ? और हमारे साथ अब मैंने कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय छोटे नेता जी अखिलेश यादव जी कल मेरे आवास पर आए थे शोक प्रकट करने मेरी माता जी का, तो मैंने वहाँ पर बातें करी उनसे, तो वो अब हमारे हम लोगों का नेतृत्व उभारने की बात सोच रहे हैं। पहले हमारा समाज बदनाम कर दिया हमारे समाज के जयचंदों ने, जिसको राज्यसभा दी मेरी पार्टी ने, वो डर के मारे भाग गया,
भाजपा ने डरा दिया, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं पुलिस पीछे लग जाती है, कहीं कुछ लग जाता है जांच के नाम पर। अब वो बेगी बिल्ली उसको बना दिया। एक शहर और है पार्लियामेंट में जो समाज की बात उठाता, मलुक नागर, उसके यहाँ छापे तो वो भाग गया, सुरेंद्र नागर राज्यसभा लेके। जो जिसको एमएलसी बनाया, मिनिस्टर बनाया राम शकल, वो भाग गया धोखा देकर। ये भाटी जी बहुत बड़े वो बनते हैं, नरेंद्र भाटी, इनको मिनिस्टर बनाया, एमएलसी बनाया, जब चुनाव नहीं जीते वो भाग गए। और हमारे समाज में सबसे भले नेता हैं वीरेंद्र चौधरी, वीरेंद्र सिंह, जो 9 बार विधायक बने, मिनिस्टर बने, वो भी डरा दिए, जबकि बहुत भले इंसान हैं, उनका कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें दिक्कत। एमएलसी बनाया तो एमएलसी, यार एमएलसी हमारी, चूंकि पहले हम बना चुके थे जी। वो छोड़ गए, एमएलसी इसलिए बनाया ना, जब मुंह पे काली पुती में सड़कों पे था, वो एमएलसी बना दिया, लेकिन वो भले हैं। तो मेरा मतलब धोखा दे करके सब भाग गए डर के मारे, चूंकि ये लोग तो सीधा शिकंजा कसते हैं ना। मायावती किसकी कैद में आज? मायावती भाजपाइयों के घर में रह रही है वहाँ। तो ये मुखिया गुजर जी से मेरी खास बातचीत थी, और जिस तरीके से 2 सीटों पर इस बार उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करी है, उसे मुखिया गुजर जी का ये कहना है कि कार्यकर्ताओं में जोश है और 2024 से पहले एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई है, और 2024 में जो तस्वीर निकल कर आएगी, हो सकता है कि 2024 में फेरबदल देखने को नजर आए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।